हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करती हूं आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। बिग बॉस सीजन 16 के घर में बवाल मचा हुआ है। ये बवाल अर्चना और शिव ठाकरे के बीच हुई लड़ाई को लेकर मचा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्चना को अब शो से निष्कासित कर दिया गया है और इसके पीछे की वजह है उसने इतना ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने गुस्से में आकर शिव का गला पकड़ लिया और ये बात बिग बॉस को बिल्कुल रास नहीं आई है। घर में हंगामा हो गया और बिग बॉस ने जो फैसला है वो शिव ठाकरे पर छोड़ा। शिव ठाकरे ने ये डिसीजन लिया कि वो अर्चना को घर से बाहर करना चाहते हैं और अब अर्चना घर से बाहर हो चुकी है। अर्चना ने कई बार हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश की शिव से, लेकिन शिव ने अर्चना की किसी बात को नहीं माना, उसे एक मौका भी नहीं दिया है और अब वो घर से बेघर हो चुकी है। अब ऐसे में जो अर्चना गौतम के फैंस है वो तमाम फैंस काफी ज्यादा मायूस है और लगातार वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। वो काफी इमोशनल है इस मोमेंट में आकर और वो लगातार शिव को ट्रोल कर रहे हैं, शिव को लेकर गालियां दे रहे हैं, शिव को लेकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और अर्चना के इन तमाम फैंस का कहना है कि शिव ठाकरे ने जानबूझकर अर्चना को उकसाया है और उन्हें बार बार पोक किया है। दरअसल मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूं कि टीना और अर्चना के बीच में टिशू को लेकर लड़ाई हुई थी, लेकिन इसी बीच जो शिव ठाकरे हैं वो बीच में लड़ाई के कूद पड़ते हैं। अर्चना उन्हें इस लड़ाई से दूर रहने के लिए भी वॉर्न करती है, बार बार उसे बोलती है तू बीच में मत पड़, ये मुझे सॉर्ट आउट करने दे, लेकिन शिव ठाकरे उसकी बात नहीं मानते और वो अर्चना पर पर्सनल कमेंट करते हैं, वो उनकी पार्टी को बीच में लाते हैं और उनकी दीदी को लेकर चढ़ाते दिखाई देते हैं। और इस बात से अर्चना गौतम अपना आपा खो देती है और वो गुस्से में आकर शिव को पहले तो थप्पड़ मारने की धमकी देती है और फिर उसका गला पकड़ लेती है। और ये बात अब फैंस को बहुत ही ज्यादा खल रही है। फैंस अब लगातार अर्चना के सपोर्ट में आ गए हैं और शिव को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्चना अब तुम्हें शिव से या फिर किसी और से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सही हो, ये सब जो किया धरा है ये सिर्फ और सिर्फ है शिव ठाकरे का। बहरहाल आपका क्या है इस पूरे मुद्दे पर रिएक्शन, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।